हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी रेड ग्रेवी जिससे आप पनीर की हर सब्जी बना सकते हैं। इसे हम 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, 3 प्याज मीडियम साइज़ के, कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, 4 से 5 लहसुन की कलियां, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 12 से 13 काजू, हरी मिर्च, दही, 6 टमाटर मीडियम साइज़ के, अगर हमने 3 प्याज लिए हैं तो हम 6 टमाटर लेंगे। और मसालों में हमें चाहिए हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कसूरी मेथी और धनिया पाउडर। सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले, तेज़पत्ता, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। जब ये खड़े मसाले अच्छे से क्रैकल होने लगे, हम इसमें डाल देंगे स्लाइस किए हुए प्याज। हमें प्याज को बारीक नहीं काटना, बस रफली स्लाइस कर देना है इस तरीके से। और जब ये हल्के से पिंक होने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और जो हमने अदरक ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। हमें कुछ भी चॉप नहीं करना ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हमें सब कुछ ये ग्राइंड करना है अभी बाद में मिक्सी में। फिर हम इसमें डाल देंगे काजू। इसमें हमें रेशो बहुत सिंपल रखना है। अगर हमने 3 प्याज लिए हैं, हम 6 टमाटर लेंगे और 12 हम इसमें काजू लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देगी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता। और जो हमने टमाटर लिए थे वो हम इसमें रफली चॉप करके डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये टमाटर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच भर के दही। दही डालने से इसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है और कलर भी अच्छा हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम, और इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पका देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाए। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, इसे हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो हमने खड़े मसाले डाले थे, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, ये हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये भी हम साथ में ग्राइंड करेंगे तो उसका सारा कलर ख़राब हो जाएगा ग्रेवी का। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल फाइन तरीके से। अब चाहें तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे पहले छानेंगे और फिर हम इसे यूज़ करेंगे। एक छन्नी की हेल्प से हम इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि जो इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी रहे और बिल्कुल स्मूथ रहे। इसे छानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 2 ही मिनट में अच्छे से छाना जाता है। ये एकदम क्रीमी सी और स्मूथ सी ग्रेवी रेडी है। इसे आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका आप टेक्सचर देखिए। हमने जो ये ग्रेवी रेडी की है, इससे हम पनीर की कई डिशेस बना सकते हैं, जैसे कि मटर पनीर, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। आज मैं आपको पनीर बटर मसाला बना के दिखाती हूँ। हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच देसी घी और 1/2 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें बटर। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। अब चाहें तो हम वो ग्रेवी इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं तो हमारा पनीर मखनी बन जाएगा, लेकिन हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला तो हमें इसके लिए एक मसाला बनाना पड़ेगा। इसमें डालेंगे हम चॉप्ड किया हुआ 1 प्याज, उसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के शिमला मिर्च जो हमने फाइनली चॉप कर ली है, इसे भी हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। ये सब्जियाँ बिल्कुल फाइनली चॉप होनी चाहिए जिससे कि हमारी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आए। इसमें अब डालेंगे 1/2 चम्मच देगी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच नमक।
इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं और मिक्स हो जाएं आपस में। ये हमारा पनीर बटर मसाला का मसाला है जिसमें हम ग्रेवी डाल के पनीर बटर मसाला बनाएंगे। अगर आप इसमें शिमला मिर्च और प्याज बड़े बड़े फ्राई करके डाल देंगे तो ये कढ़ाई पनीर बन जाएगा। इसमें हम डाल देंगे अब ये ग्रेवी। अगर आपके पास ये ग्रेवी रेडी है तो आप पनीर की डिश कोई भी 5 मिनट में ही बना सकते हैं। इसे हम स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। रेस्टोरेंट्स में भी यही किया जाता है कि एक रेड ग्रेवी पहले ही रेडी करके रख देते हैं और जब भी कोई पनीर की डिश बनानी होती है उस ग्रेवी को यूज़ करके पनीर की डिश बना ली जाती है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये मसाला और ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ग्रेवी एकदम रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ पनीर और इसे अच्छे से हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि पनीर टूटे ना। देखिए ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसमें हमने बाहर के कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, ये घर के मसालों से ही रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे अब हम और इसे हल्के हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे। अब आपके घर में फ्रेश मलाई पड़ी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी दूध क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो आप थोड़ा दूध इसमें और मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए इसका सारा ऑयल ऊपर आ गया है जो भी हमने इसमें डाला हुआ था। उसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। मैंने अमूल की यूज़ की है, आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया। हमारा पनीर बटर मसाला सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे चावल, रोटी, नान, चिली पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे चिली पराठा के साथ सर्व किया है और चिली पराठा की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।